छो बोलते हैं असल में, छो बोलते हैं बिल्कुल बेस को, स्टार्ट को, जो बेसिक होता है। छो गुप गुप जो है ना वो उसका लेवल है। छो गुप स्मा यानी बेसिक कोर्स, चुंग गुप मिडिल कोर्स, और खो गुप, खो बोलते हैं हाई को। खो गुप जैसे हमने खो सुख थोरो हमने एक पढ़ा था खो, तो खो गुप यानी कि हाई कोर्स। तीन कोर्स होते हैं बेसिकली कोरियन जबान के अंदर। एक होता है छो गुप, अभी हम छो गुप कर रहे हैं बेसिक कोर्स। एक होता है चुंग गुप जो ना तो बेसिक होता है ना हाई होता है, मिडिल में होता है। और एक होता है खोगुप, खोगुप बोलते हैं हाई कोर्स को। तो ये उनका ख्वाजोंग है, ये उनका कोर्स है। खेगांग, खेगांग का मतलब हमें क्या पढ़ा है कि सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है, इस सेमेस्टर कब स्टार्ट हो रहा है। खू बोल ई इल, नवे महीने की ई इल 2 तारीख को। चुंगांग, छुंगांग, छुंगांग क्या हो रहा है यानी खेगांग ओपनिंग ऑफ द सेमेस्टर, छुंगांग क्लोजिंग ऑफ द सेमेस्टर, कि सेमेस्टर खत्म कब होगा। शिवोल 10वें महीने की समशिब इरिल, शिवोल इसको शिवोल नहीं बोलेंगे, शिवोल, शिवोल समशिब इरिल 10वें महीने की 31 तारीख को ये होगा। ठीक है, अच्छा उसका शीगान इसमें टाइम क्या होगा, कौन से टाइम पर ये पढ़ाएंगे। मेचू हर हफ्ते, मेचू हर हफ्ते, थोयोइल सैटरडे को, ओहू दोपहर, ओहू किसको बोलते हैं दोपहर, थूशी 2 बजे से लेकर नेशी 4 बजे तक। मेचू थोयोइल ओहू थूशी बुथो नेशी काजी, थूशी बुथो नेशी काजी 2 बजे से 4 बजे तक। ख्योशिल, अच्छा क्लासरूम कहाँ पे है आपका, ख्योशिल किसको बोलते हैं क्लासरूम को, वेगुकिन सेंथो फॉरनर सेंटर। वेगुकिन किसको बोलते हैं फॉरन को, और सेंथो सेंटर को बोलते हैं, फॉरनर्स का जो सेंटर है। ओ बैग सम हो, ओ बैग सम हो यानी ये 503 नंबर कोई बिल्डिंग है या 503 नंबर कोई रूम है। ठीक है, सुओब न्यू, सुओब बोलते हैं क्लास को, ये जो न्यू न्यू लगा हुआ है, न्यू रियू है लेकिन इसको न्यू पढ़ेंगे। सुओब न्यू यानी कि आपकी क्लास की फीस कितनी है। न्यू किसको बोलते हैं, रियू होता है एक्चुअली लेकिन बीओ के साथ आया तो सुओब रियू नहीं बोला जाएगा, सुओब न्यू नून से पढ़ा जाएगा। सुओब न्यू क्या है, सुओब न्यू है मुरियो, मुरियो का मतलब होता है फ्री, मुरियो, मुरियो का मतलब क्या होगा फ्री। ये भी रियो ही है लेकिन बीओ साथ आने की वजह से न्यू नून पढ़ा जाएगा, यहाँ पे देखें रियो पढ़ा जा रहा है, मुरियो फ्री। मुनी, मुनी का मतलब होता है इंफॉर्मेशन, फॉर फॉर नीचे जैसे हम नहीं लिखते कि मालूमात के लिए इस नंबर पर कॉल करें, तो मुनी का मतलब होता है क्या बोलते हैं उसको हमारी जबान में, मतलब पूछना, पूछना जैसे हम बोलते हैं कि आपने अगर कोई मजीद मालूमात, मालूमात मुनी, ये उन्होंने नंबर लिखा हुआ है, इस नंबर पे आप कॉल करके मालूमात मजीद तफसील ले सकते हैं। और कौन कौन से दिन ले सकते हैं, वोलियोइल एसो थोयोइल यानी वोलियोइल मंडे को, दरमियान में ये इसका मतलब होता है कि यहाँ से लेकर थोयोइल मंडे से लेकर सैटरडे तक, वोल थो आधा आधा लिखा हुआ है। ओजोन, ओजोन बोलते हैं एएम को, एएम को यानी कि जो सुबह का टाइम होता है 11:59 से पहले पहले, एएम जिसको हम बोलते हैं ओजोन। आहुशी सुबह के 9 बजे से लेकर ओहू दोपहर के योसत शिकाजी, यानी कि आपको उन्होंने पूरा बता दिया कि ये नंबर है, इसमें आप मंडे से लेकर थर्स फ्राइडे सॉरी सैटरडे तक सुबह 9 बजे से लेकर ओहू शाम 6 बजे तक कॉल करके मुनी कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। तो ये सारा हमने नोटिस बड़े डिटेल से पढ़ लिया, अब ये सवालों के जवाब देना आपका काम है, ये बड़े इजी हैं, तो ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ कि अब इसको आप पढ़ के आप इसके आंसर्स खुद करें। ठीक है, तो करवा दूँ, टाइम भी काफ़ी हो गया। उत्तन ख्वाजोंगे थे हम अन्य मोनिमी का, कि कौन से कोर्स के मुतालिक ये नोटिस है, अन्यमून इमी का सवाल है, कौन से कोर्स। योरी सुओ कुकिंग की क्लास है, थेगवंदो सुओ थेगवंदो की क्लास है, खुम्फ्यूतो सुओ कंप्यूटर की क्लास है, हंगू को सुओ कोरियन जबान की क्लास है। डेफिनेटली ये किसकी क्लास है, हंगू को सुओ, ये देखें यहाँ पे लिखा होगा हंगू को कोरियन जबान की, तो इसमें ये वाला सही होगा। इलगन नेयोंगवा खत्थन खत्थ म्योन थ ये वाला, और थिल्ली थारू म्योन ये वाला, एक प्योशी हास्यो यानी कि जो आपने नियोंग जो कंटेंट्स आपने पढ़े हैं, जो बातचीत ऊपर आपने नोटिस में पढ़ी है, पूरे अन्य मून में पढ़ी है, नोटिस में पढ़ी है खथन, तो उसमें जो सही है खथन खथ म्योन यानी उसके अगर बिल्कुल सिमिलर लिखा हुआ है तो फिर आपने ओ का निशान डालना है। थारू म्योन अगर उसके डिफरेंट लिखा हुआ है तो आपने यानी सही हो तो आपने ओ का बटन ओ ओ के ऊपर ऐसे टिक करना है, और गलत हो तो आपने क्रॉस के ऊपर टिक करना है। ठीक है, थोनुल नेजी आना तो थेमिदा, थोन बोलते हैं मोनी को,
नेदा थोनुल नेदा पैसे देना, थोनुल नेजी आना तो, यानी कि अगर पैसे नहीं भी देंगे तब भी थेमीदा ठीक है। तो वाकई में सही है, क्योंकि यहाँ पर हमने पढ़ा था कि इसकी कोई फीस नहीं है। थोनुल नेजी आना तो थेमीदा, कि फीस ना दें तो फिर भी ठीक है। तो ये क्या होगा, सही बात है, इसमें हम इसको हम टिक करेंगे। ठीक है, इसमें हम किसको टिक करेंगे, इसमें हम इसको टिक करेंगे। ठीक है, अच्छा। थू तल तुंगान छुयु कुल भस्मिदा, तो दो थू तल तुंगान 2 महीने थुंगान लगातार, 2 महीनों तक लगातार, थू दो थल बोलते हैं महीने को, थू तल तुंगान 2 महीने तक लगातार छुयु कुल भस्मिदा, 2 महीने तक कंटिन्यूसली जो है वो छुयु भस्मिदा कि आप वो पढ़ सकते हैं। तो ये 2 महीने नहीं है, उन्होंने 9वें महीने की कुछ तारीख से लेकर 10वें महीने की है, तो ये गलत होगा। ठीक है, और ये हफ्ते में है भी कितनी दफा, हफ्ते में सिर्फ है, हो सकता है ये 2 महीने ही बन रहे हों। इसको अगर आप देखें तो ये आई थिंक 2 महीने ही बन रहे हैं, ये आप इसका देख लीजिएगा। अगर चूंकि ये हफ्ते में एक दफा है ना, ये देखें स्टार्ट हो रहा है 9वें महीने की 2 तारीख को, एंड हो रहा है 10वें महीने की 31 तारीख को, ऑलमोस्ट 2 महीने बन जाते हैं। तो चूंकि ये हफ्ते में सिर्फ एक दफा है, थोयोई हफ्ते में सिर्फ एक दफा है, तो सवाल उन्होंने पूछा हुआ कि थू तल तुंगान 2 महीनों तक लगातार ख्युयुकुल फास्मीदा, के 2 महीनों तक आप लगातार पढ़ सकते हैं। तो ये 2 महीने लगातार तो नहीं है, हफ्ते में सिर्फ एक दिन है तो लगातार नहीं हो सकता, इसलिए मेरे हिसाब से तो ये गलत होगा। ठीक है, बराबर। इंथोनेस रोग खांगेरुल थस्मिदा, इंटरनेट के जरिए आप खांगे यानी लेक्चर को थस्मिदा सुन सकते हैं। तो इंटरनेट के जरिए बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ऊपर उन्होंने क्या लिखा हुआ है, आप अगर देखें तो ऊपर उन्होंने लिखा हुआ है इस कमरे में होगा, क्यूशिल क्लासरूम कहाँ पे है, वेगुगिन सेंटो, तो इस ये रूम नंबर भी उन्होंने लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि इंटरनेट के जरिए ये क्लास है नहीं हो रही, ये कहाँ से हो रही है, तो ये भी क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस होगा, ये भी क्रॉस होगा, ये वो होगा। छुमल ओजो ने सुओ बे सुओ बी इस्मिदा, छुमल ओजो ने कि वीकेंड पर ओजोन मॉर्निंग एम, ओजोन जो होता है सुबह का टाइम, सुओ बी इस्मिदा के वीकेंड पर क्लास है, सुबह के टाइम क्लास है, तो ये सुबह के टाइम पे नहीं है, उन्होंने तो शाम का टाइम लिखा हुआ है। ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है इन्होंने, एक मिनट ओजोन आहुशी बुथो ओहु योसुशी, नहीं ये तो उन्होंने मून ही लिखा हुआ है ना इन्फॉर्मेशन के लिए, क्लास का टाइम इन्होंने इधर लिखा हुआ है। हाँ ओहु थूशी है सो, ये देखें शीगान क्लास का टाइम ने थूशी है सो नेशिका जी, यानी शाम को, ओहु दोपहर बोलते हैं ना, दोपहर 2 बजे से लेकर 4 बजे तक लिखा हुआ है। ये टाइम जो है ये इन्होंने मूनी के लिए लिखा है, यानी आप इन्फॉर्मेशन के लिए इस नंबर पे कॉल करें, इसी नंबर पे इस टाइम पे आप कॉल कर सकते हैं, तो क्लास का टाइम तो ये है, तो इसलिए ये भी क्या होगा, गलत होगा, ये भी गलत होगा। ठीक है, इसका मतलब है कि पहला सही है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, चौथा भी क्या है, गलत है। तो इस तरीके से आपने इसकी योनिसम करनी है। तो अब हमारा लास्ट पार्ट आ गया है इस चैप्टर का, थिक्की और इल्गी आपने खुद ही करनी है। तो ये आप अंग्रेजी में भी पढ़ सकते हैं, बड़ा इजी है। ये क्या है, छोंगबो वेगुकिन खुल्लोजा क्योयो प्रोग्राम, एजुकेशन प्रोग्राम फॉर माइग्रेंट वर्कर्स, फॉरनर्स के लिए जो है ना, कोरिया में मुख्तलिफ किस्म के प्रोग्राम्स होते हैं, मैंने आपको पहले भी बड़ी डिटेल में बताया, एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं। तो इसको क्यू हंगु सानो बिल्लो खुंगा ने सो वेगुकिन खुल्लोजा गा हंगु के इन्नुन तुंगान, हंगु को मीत फिल्यो हंग खिनुगुल सप्त घायो छेजु खिगानी कन्ना म्योन फोंगो के अंजों जो करो छे जों छोंगचा हल्सु इत्तोरोक छिवन हानन क्योयु प्रोग्राम उल छेगुंग हाबो इस्मिदा, यानी ये कोरियन, ये देखें ना, ये इन्होंने ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट के पूरा इन्होंने लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ भी लीजिए, तो कोई चीज़ पूछने वाली हो तो आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट सर्विस ऑफ कोरिया प्रोवाइड्स फॉरन वर्कर्स एजुकेशनल प्रोग्राम्स इंक्लूडिंग कोरियन एंड अदर, यानी कोरियन जबान भी वो आपको सिखाते हैं, और वो मुख्तलिफ किस्म की स्किल्स जो है वो आपको सिखाते हैं। यहाँ पे ये सारी लिखी हुई है, देखें सेफ्टी एजुकेशन, प्रैक्टिकल एजुकेशन, और ये मैन्युफैक्चरिंग के रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन के रिलेटेड, एग्रीकल्चर, फिशिंग, तो ये जितने भी हैं प्रोफेशंस वो आप वहाँ पे चूज़ करके इनकी वेबसाइट पे जाके आप
वहाँ से ये सारे के सारे प्रोग्राम आप देख सकते हैं, जिसमें आप इंटरेस्टेड हैं आप उसको सीख सकते हैं। और इसमें ये होता है कि